हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं घनश्याम धीवर और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी तो फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते ही हैं, तो आज मैं आपको फेसबुक के एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी नहीं जानते हैं और ना ही आपको इस सेटिंग के बारे में पहले किसी ने बताया होगा। दोस्तों, ये सेटिंग इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखिएगा। दोस्तों, हम अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर में आपको कुछ इस तरह से स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आपके फ्रेंड्स जो आप स्टोरी अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर आप अपना खुद का स्टोरी अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड टू स्टोरी पे क्लिक करके आप अपना स्टोरी अपलोड किया करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है फ्रेंड्स, आपका फेसबुक जो आप स्टोरी आप अपलोड करते हो वो कौन कौन देख पाता है? तो वो पूरा पब्लिक देख पाता है। दोस्तों, वहीं हम अगर बात करें व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप में आपको स्टेटस प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है कुछ अपने फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने का, यानी कि आप यहाँ से कुछ फ्रेंड को सिलेक्ट करते हैं और जब भी आप अपना स्टेटस अपलोड करते हैं तो जो भी फ्रेंड्स को आपने सिलेक्ट किए हुए होते हैं सिर्फ आपका स्टेटस उन्हें ही दिख पाता और कोई भी आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स को नहीं दिखता है। तो इस तरह का कुछ सेटिंग आप फेसबुक पे भी आ चुकी है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो अगर सबसे पहले आप इस सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करके उस ऑल वाले आइकन को दबा दीजिए और नीचे आपको एक कमेंट कर देना जो है फेसबुक स्टोरी ट्रिक। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना सा लिखकर आपको कमेंट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये सेटिंग आपको फेसबुक पर कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए आपको फेसबुक ओपन कर लेना है और ऊपर में सबसे ऊपर में आपको राइट साइड में आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इसे जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ नीचे एक और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की ओर चले जाना है। तो चलिए हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरी सेटिंग, तो इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह के चार पांच ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन स्टोरी प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे में फ्रेंड सिलेक्ट है, हालांकि आप सभी का पब्लिक होगा फ्रेंड, तो मैंने यहाँ फ्रेंड सिलेक्ट किया था। और अगर आप चाहते हैं मेरे कुछ गिने चुने फ्रेंड्स ही मेरे अपलोड किए हुए स्टोरी को देख पाए तो उसके लिए यहाँ आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ ओपन होकर आ जाएगी, तो आप यहाँ से उन फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप सिर्फ अपना स्टोरी दिखाना चाहते हैं, यानी कि मैं कुछ पांच या दस जो भी मेरे खास फ्रेंड हैं, जो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्हें इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट कर लेने के बाद जब भी मैं अपने फेसबुक में कोई भी स्टोरी अपलोड करूँगा तो जिन जिन फ्रेंड्स को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं सिर्फ उन्हें ही मेरा अपलोड किया हुआ स्टोरी दिख पाएगा और अदरवाइज मेरा अपलोड किया हुआ स्टोरी और भी कोई भी मेरा फेसबुक फ्रेंड्स नहीं देख सकता है। तो ये काफ़ी कमाल की सेटिंग जो पहले नहीं थी अब फेसबुक में आप सभी को देखने को मिल जाती है। अगर आपके फेसबुक में ये सेटिंग देखने को नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ से अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद आप अपने फेसबुक पर स्टोरी को एक प्राइवेसी की तरह अपलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सेटिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कार नए वीडियो में नए सेटिंग और टिप्स और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।